हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर बदल दिया कृतिका ने अपना खेल। मारी अरमान को लात, दिखाई अरमान को उसकी औकात। जब एक आदमी नहीं करता है अपनी बीवी की कदर, अपनी जिंदगी में जो औरत है उसकी कदर, तो ऐसे में औरत भी बदल लेती है अपना रास्ता। और यही रास्ता अब बदल लिया है कृतिका ने भी। तभी तो कृतिका ने, जैसा कि हमने आपको बताया था, अपना ग्रुप बना लिया है और अब उसने अरमान को एक और बड़ा झटका दे दिया। आज आप सभी को पता है कि कृतिका अरमान के बिना घर में खाना नहीं खाती है, लेकिन अब वही कृतिका बदल गई है। जी हाँ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में अब कृतिका अपने लिए सोलो गेम खेलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है, समझ चुकी है कि पायल निकल चुकी है। और अगर अब भी मैं अपने लिए नहीं खेली तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दूंगी। यही वजह है कि अब कृतिका ने अपना रास्ता बदल लिया। आपको बता दें कि अरमान मलिक ने कृतिका से बोला, जाके मेरा खाना लगा ला, पहले मेरा दे दे फिर अपना ले लियो। ऐसे में कृतिका ने पहली बार अरमान मलिक को जवाब देते हुए ये कह दिया कि अभी मैं तेरा खाना नहीं लगा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स खाना खाने बैठ रही हैं और मैं उनके साथ खाना खाने जा रही हूँ। यहाँ पर उसका मतलब सना, चंद्रिका और शिवानी से था। उसने क्लियर क्लियर बोला कि देखो, मैं बीते 2 हफ्ते से तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, लेकिन मेरा भी यहाँ पर अब ग्रुप बन चुका है और अरमान मैं उनके साथ खाना खाना चाहती हूँ। ये सुनकर अरमान हक्का बक्का रह गया। अरमान को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल गई कृतिका। लेकिन दोस्तों, कृतिका ने अपनी थाली उठाई, खाना लगाया और अपने गर्ल गैंग के साथ बैठ गई। साफ है कि यहाँ पर एक अलग ग्रुप बन चुका है। कृतिका ने अब सोलो गेम खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो समझ चुकी है इट्स हाई टाइम। वेल, क्या लगता है आपको, अरमान नॉमिनेट हो चुका है क्या? इस हफ्ते बिग बॉस अरमान को भी निकाल सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।